हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी, सोया पनीर करी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, साथ ही साथ हेल्दी है और बनाना आसान। तो इसके लिए मैंने लिया है सोया पनीर, इसे टोफू के नाम से भी जाना जाता है। ये इस तरीके से पैकेट में आता है और ये 200 ग्राम है। ये किसी भी शॉप में, सुपरमार्केट में या ग्रोसरी शॉप में इजीली अवेलेबल होता है। ये है 200 ग्राम। उसके अलावा एक प्याज है, 3 टमाटर, तेजपत्ता, एक हरी मिर्च, थोड़े से काजू है। सूखे मसालों में हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, कुछ सूखे मसाले हैं। उसके अलावा कस्तूरी मेथी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और तेल। सबसे पहले मैंने रखा है पैन, उसमें मैंने डाला है अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद मैंने तेजपत्ता और 1/2 टीस्पून जीरा डाला है और उसके बाद मैंने प्याज डाला है। प्याज डाल के अब इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें मिर्च पाउडर भी डालने वाली हूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काजू। काजू मैं ग्रेवी में थिकनेस और क्रीमीनेस लाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो मगज या मूँगफली या तिल्ली भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने प्याज को थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर को काटकर। टमाटर डाल के थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। टमाटर जल्दी पकने के लिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से टमाटर और प्याज सारी चीज़ें जल्दी पक जाएगी। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर मीडियम हाई फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट या तब तक जब तक के टमाटर अच्छे से नहीं पकते हैं तब तक ढक के मैं इसे पका रही हूँ और बीच बीच में मैं इसे मिक्स भी करूँगी। अभी मैंने इसे अराउंड 4 मिनट तक पकाया है। 4 मिनट बाद टमाटर एकदम अच्छे से पक गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए। अब मैंने इसे ठंडा भी कर लिया है। अब मैंने लिया एक मिक्सी का जार, उसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर और प्याज जिसे हमने पका के रख लिया है। डालकर इसे हम लोग एकदम चिकना ग्राइंड कर लेंगे। अगर ज़रूरत हो तो आप 1-2 टीस्पून पानी भी डाल सकते हैं। अभी मैंने इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। अब सेम उसी पैन में मैं अराउंड और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। डालकर जो टोफू है, सोया पनीर, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। उसके बाद मैं इनको हल्का शेलो फ्राई कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो। डायरेक्ट जैसे हम लोग पनीर डालते हैं सब्जी में, उस तरीके से आप इसे भी डाल सकते हो। अब मैंने इसको हल्का भून लिया है। उसके बाद मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। ये भी हमारा जो नॉर्मल दूध वाला पनीर होता है उसी तरीके से रहता है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी है। अभी मैंने सेम उसी पैन में और 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने इसमें डाला है तेज़पत्ता, दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री और बड़ी इलायची और छोटी इलायची एक एक। उसके बाद 1/2 टीस्पून जीरा डालकर मैं इसको हल्का मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। आप चाहो तो पहले यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करके फिर ये पेस्ट डाल सकते हैं, बट मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बाद में यूज़ करूँगी। अब हम इसको अच्छे से भुनेंगे 2-3 मिनट तक के। ये सब्जी एकदम डेयरी फ्री है, मतलब मैं इसमें डेयरी का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये एक वेगन रेसिपी है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा दही या मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं डेयरी फ्री बना रही हूँ इसलिए मैं उन चीज़ों का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। डालकर अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सब्जी प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है बट बनता बहुत जल्दी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून कस्तूरी मेथी और 1/2 टीस्पून हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब थोड़ा सा साइड से तेल छूटने लगेगा उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे पानी। पानी आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अभी पहले मैं इसमें 1 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है, उसको मैं मिक्स करके वो भी पानी मैं इसी में डालूँगी। तो कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग पतली गाढ़ी जैसी चाहिए वैसी रख सकते हैं। अब मैं इसको एक बार मिक्स करके ढक के 1-2 मिनट तक पकाऊँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। अभी मैंने इसे ढक दिया है। ढकने के बाद इसे मैं 2-3 मिनट तक और पकने दे रही हूँ। 2-3 मिनट बाद मैंने ढक्कन निकाला है। ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब एक बार मिक्स करके इसमें मैं डाल रही हूँ शेलो फ्राई किया हुआ सोया पनीर।
सोया पनीर में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। ये जिनको वेट लूज करना है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जो डायबिटिक है उनके लिए बहुत अच्छा है, हमारे स्किन और हेयर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून नमक, नमक हमने पहले भी डाला था। अभी मैंने डाला है गरम मसाला 1/2 टीस्पून डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद धीमी आंच पे या मीडियम हाई फ्लेम पे इसे हमें 2 मिनट ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो भी पहले से पक चुका था और हमने मसाले को अच्छे से भून भी लिया है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे ढक के 2 मिनट और पका रही हूँ। इस सब्जी को आप रोटी, पराठा, नान, सिंपल राइस किसी के भी साथ दो, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्जी लुक वाइज बहुत अच्छी दिख रही है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी भी लग रही है। अभी मैं इसमें बाकी बचा हुआ कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। कस्तूरी मेथी कम्प्लीटली ऑप्शनल है इस तरीके से डालना, बट ऐसा डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब कस्तूरी मेथी डाल के मैं इसको मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट तक पकाऊँगी। पकाने के बाद इसमें मैं डालूँगी बारीक कटा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये सब्जी ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है, इसलिए कंसिस्टेंसी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रीमी यम्मी सोया पनीर बनके रेडी है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी सोया पनीर ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।